सबसे ज्यादा प्राइड मोमेंट जो था मेरी लाइफ में, एक तो जैसे टॉप करने के बाद था जो फादर वाला था वो मैंने बताया, लेकिन उसके अलावा जो सबसे अच्छा लगता था, जब मैं पढ़ाया करता था तो आई वॉज इन बीटेक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, वहाँ पर आपसे ड्रॉपर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं या ट्वेल्थ के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, इलेवंथ के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो आप वो टीचर को इतनी रिस्पेक्ट देता है, आई थिंक टीचर इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब, वो पैर छू के जा रहे हैं जो कि सिर्फ मेरे से दो साल या एक साल छोटे हैं, सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्राउड मोमेंट। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers and initiated by Unacademy. Myself Shreyas Sarvan, your co-host for today's episode. Basically what happens in India is to get higher ranks in one of the exams, we need high amount of hard work, dedication and patience. Then what we get is a higher rank in one competitive exam. But today we have a person with us who has actually secured a good rank in both of the two competitive exams, that is IES or ESC, which is our Engineering Services Examination, and the other competitive exam, which is GATE, which is nothing but our Graduate Aptitude Test in Engineering. So let's welcome Mr. Shivam Thakur. Hello Shivam, welcome to Chamomile TV Toppers. So Shivam, basically before starting on with our chit chat, we'll start to know about you. So basically you are a civil engineer, aap ek civil engineer ho, aur engineering mein bahut zyada courses hai, like mechanical engineering. तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में इतना दिलचस्पी क्यों लगा? मींस व्हाई डिड यू चूज सिविल इंजीनियर एंड टेल अ बिट अबाउट योरसेल्फ, लाइक व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड व्हाई डिड यू चूज गेट एग्जाम्स, क्योंकि आप गेट एग्जाम्स और ईएससी को क्यों चूज किया आपने, तो ऐसा एलाबोरेट योरसेल्फ अ बिट। ओके, सो टू बी वेरी फ्रैंकली, इन द स्टार्टिंग आई डिड नॉट नो अबाउट मच अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो आई जस्ट नो बेसिक ऑफ द इंजीनियरिंग, दैट देयर आर सम बेसिक engineering, mechanical engineering, civil engineering, but my father was a bit of like a contractor. Okay. So he suggested me that you should take civil engineering. And I am from Aligarh. And I did my 12th from Aligarh Muslim University. After then, through the entrance examination, I take admission in this Zakir Hussain College of Engineering and Technology. Okay. It is also a engineering college of Aligarh Muslim University. Okay. So there was not much motive, बस ऐसे ही ले लिया था सिविल इंजीनियरिंग, उसके पीछे कोई मोटिव नहीं था। लेकिन when things started to roll down, then I got interested in the civil engineering and I got to know that it is a really good branch of combination of both physics and maths. Okay. So how did you come to know about means a GATE or ESC examinations के बारे में? आप आपने कैसे पता कर लिया कि आपको means at what point of time, क्योंकि इंजीनियरिंग में चार साल होता है ना, तो आपको स्टार्टिंग से ही पता था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, मुझे पब्लिक सर्विसेज जाना है, क्योंकि जाते जाते आपने सोचा कि आई विल गो फॉर गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम्स? नो, पता तो सेकंड ईयर से ही था, बिकॉज देयर वर मेनी सीनियर्स जिनकी रैंक अच्छी आती थी और वो एमटेक में एडमिशंस लेते थे, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाले हुए थे, तो पता सेकंड ईयर से ही था, लेकिन कभी मन नहीं बना हुआ था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आफ्टर माय 12th आई यूज्ड टू टीच इन अ कोचिंग and I used to teach physics for JEE mains and advanced and medical aspirants. So वहाँ पर जब मैंने पढ़ाया शुरू किया, बी टेक फर्स्ट ईयर में तो खैर 9th-10th को ही पढ़ाता था, लेकिन सेकेंड ईयर से आई यूज टू टीच 11th-12th एंड ड्रॉपर्स। सो वहाँ पर धीरे 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 जैसे स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता गया, आई गॉट कॉन्फिडेंस कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। ओके, सो आई थॉट कि मेरे को इससे भी बड़ा करना चाहिए। फिर गेट और ईएससी के बारे में तो पता ही था, लेकिन इतना पता था कि काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन वो एक जो मेरी टीचिंग थी उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका था कि हाँ, आई कैन डू इट। ओके, सो इन द लास्ट ईयर ऑफ माई बीटेक आई रॉट गेट एग्जामिनेशन। ओके, वहाँ मैं फोर्थ ईयर में पढ़ाता भी था और मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी अपनी गेट एग्जामिनेशन की, तो वो मैंने लिखा था, सो आई गॉट 488 रैंक आउट ऑफ around 1.5 lakh students were there in civil engineering GATE 2017. Yeah, that's a very good number. Yeah, so but I was not happy with that. Okay. Yeah, so मेरे को लगा कि मैं तो इससे भी और अच्छा कर सकता हूँ, जब इतना कम पढ़ने पर मैंने इतना अच्छा कर लिया, जब मैं दूसरों को पढ़ा भी रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद भी टाइम निकाल कर मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इससे और भी अच्छा करते हैं। देन आई टुक अ ड्रॉप आफ्टर माई बी टेक एंड आई वेंट टू दिल्ली एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर प्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। माई मेन टारगेट वॉज ऑलवेज इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट जस्ट हैपन इन द वे। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के लिए मैंने दिल्ली में जाके तैयारी की, और जब मैंने वहाँ दिल्ली में तैयारी की तो वहाँ पर एक्चुअली दिल्ली का माहौल मेरे को सूट नहीं किया, तो मैंने प्री की तैयारी करके वहाँ से मैं लौट आया। फिर मैंने घर से ही अपना प्री दिया और गेट का एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद मैंने मेन्स की भी तैयारी जो ईएससी की मैंने घर से ही की। तो सेल्फ प्रिपरेशन वॉज योर मोटिव? या अप टू प्री इट वॉज
bit of coaching based, but after that it was self preparation. तो आपका आपने अभी अभी बताया कि gate you had given in your BTech also. तो gate एक gate आपका दूसरी बार में आपका ranking आया था 18 ranking all India. 14. It was 14. Okay, fine. Yeah. Sorry for that. Okay, तो ESE आपने first attempt में एक rank कर लिया. Yeah, it was my first attempt of ESE and I got 40 rank. Okay. In that. Okay. So we'll start about ESE preparation. Like most of the aspirants, they might not know. I mean, बहुत सारे aspirants को ये पता नहीं होता कि ESE में कितने stages होते हैं. तो आप elaborate करके बता सकते हो कि ESE में कितना stages होते हैं. आपने अभी बताया कि pre का preparation आपने किया था. तो कैसा था stages of ESE examination? ESE एक लंबा process है. For example, जैसे कि इसमें 3 stages हैं. पहले एक prelim होगा. Prelim में 2 paper होंगे. एक general studies and aptitude होगा. तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आएंगी जैसे कि करंट अफेयर्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ. अभी जस्ट 2017 में यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज का. उससे पहले इसमें कुछ और चीज़ें आती थी जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी एक्सेट्रा. ओके. बट आफ्टर 2017 सो देयर इज अ चेंज इन द पेपर एंड इन जनरल स्टडीज दे आस्क करंट अफेयर्स, दे आस्क मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, material science, environmental engineering, all these things. Okay. This paper comprises of 200 marks. Okay. और ये इसमें 100 question होते हैं. हर question 2 marks के होते हैं. And there is second paper also in prelim, which is completely of civil engineering. Okay. I mean, whichever subject you have chosen. Okay. If you have chosen mechanical engineering, electrical engineering, electronics engineering, civil engineering. Okay. Even अगर आपने इन चारों से भी कोई engineering नहीं किया, उसके बाद भी exam आप दे सकते हो. For example, आपने computer science से किया हुआ, but you can write it in electronics or electrical or mechanical civil, yeah, yeah. in whichever you want. Okay. You just must have a BTech or BE. That's okay. it. So, इसमें 300 marks का होता है and it is completed of 150 questions. 2 marks for each question. This is the complete stage of pre. After the result declared, okay. then we will have the main examination. Mains में पूरे 2 paper होते हैं and it is completely technical. वो पूरा technical होगा. मतलब आपके इंजीनियरिंग के ब्रांच के. हाँ, अगर जैसे मेरी सिविल इंजीनियरिंग थी तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का सब कुछ आएगा. ओके. जैसे मेंस में 2 पेपर जो होंगे, पेपर 1 में जो आएगा वो 300 का होगा, पेपर 2 जो आएगा वो 300 का होगा. ठीक है. तो उसमें क्वेश्चंस के बेसिस होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, फिर उसमें क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं, वो आपको आप चॉइसेस होती हैं. उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको 5 करने होते हैं. 2 पार्ट में 4 पार्ट, एक पार्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं, एक पार्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर दिस 600 ऑफ मेंस एंड 500 ऑफ प्रीलिम्स, कंप्लीटली 1100. So the merit will again be prepared on this 1100 basis. उसके बाद जो है फिर इंटरव्यू का प्रोसेस होगा. इट इज ऑफ 200 मार्क्स. ओके. पर्सनली टेस्ट. सो फिर ये पूरा 1100 प्लस 200, 1300 में से देर विल बी मेरिट, और मेरिट के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी ऑन दैट बेसिस यू विल गेट सिलेक्टेड, यू विल बी अलॉटेड योर डिपार्टमेंट. तो आपने अभी अभी बताया कि योर प्राइम फोकस वॉज ऑन ESE ओनली, मीन्स IESE आपका फोकस था, बाद में आपने गेट भी लिखा था. तो आपका ESE का प्रिपरेशन कैसा था? क्योंकि ESE का और गेट का दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ESE एज अ वास्ट सिलेबस, ESE का सिलेबस ज़्यादा है और गेट का सिलेबस कम है. तो आपका ESE का प्रिपरेशन क्या था, कि टाइम मैनेजमेंट क्या था? और आपने अभी बताया कि यू टिल प्री यू हैड गॉन फॉर कोचिंग, देन यू डिडंट गो फॉर कोचिंग. सो हाउ वॉज योर सेल्फ प्रिपरेशन? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऐसा सब. सो हाउ वाज योर डिटेल स्ट्रेटजी ऑफ गेटिंग इन? टोटल डिफरेंस सिर्फ इतना सा है गेट और ESE में कि गेट का जो सिलेबस होगा वो डीप में होगा लेकिन सिलेबस कम होगा. ESE भी डीप में होता है इतना लेकिन उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है जैसे आपने कहा. तो मेरा जो ESE का प्रिपरेशन था वो मैंने गेट का तो बिल्कुल भी टच नहीं किया था उसमें. लेकिन अगर आप ESE के कंसेप्ट याद रखोगे तो आपसे गेट के क्वेश्चन हो जाएंगे. गेट के क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आते हैं क्योंकि अगर आपने ESE के कंसेप्ट वाइज क्लियर हो आप तो गेट के भी क्वेश्चन कर लोगे. तो मेरा प्रिपरेशन स्टडी ये था. मैंने जुलाई जून मिड जून से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी. मिड जून से लेकर मैंने दिसंबर के मिड तक पूरा अपना फोकस प्रीलिम्स पे ही रखा था. आफ्टर देन रिवीजन वगैरह था 15 दिन. माय प्रीलिम्स एज फार एज आई रिमेंबर इट वाज ऑन 7th of January. सो तब तक मैंने पूरा रिवीजन करके प्री का मैंने प्री दिया. आफ्टर देन जो गेट का मैंने टेस्ट सीरीज लगाया फिर. तो जब तक प्री नहीं हुआ तब तक तो मैं ESE के ऊपर पूरा फोकस था. उसके बाद गेट का जो एग्जामिनेशन था वो इट वाज ऑन 10th of February. ओके. आई गेस सो वो जो पूरा 8 मंथ मेरे को बीच में मिला था पूरा उसमें मैंने गेट की पूरी टेस्ट सीरीज लिखी थी. तो उसमें मैंने अराउंड 28 टेस्ट दिए थे. हर रोज मैं एक टेस्ट देता था 3 घंटे का. उसके बाद उसको अच्छे से देखता था कहाँ गलतियाँ हुई, रिविजन करता था फिर गेट के बेसिस पर. क्योंकि एक्चुअली गेट और ESE में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ESE में जब आप प्री के लिए पढ़ रहे होते हो आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने होते जो बहुत ज़्यादा लेंथी हों. क्योंकि आप टेक्निकल अगर देख रहे हो तो 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स के आ रहे हैं और 2 घंटे हैं आपके पास. तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं.
और अगर आप क्वेश्चंस छोड़ रहे हो तो वो आप अपना नंबर का लॉस कर रहे हो। तो दैट इज़ वाई मैंने ये सोच रखा था पीट तक तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाऊंगा, लेकिन गेट में कुछ कुछ क्वेश्चंस बड़े भी आ जाते हैं, जैसे अगर एनएटी टाइप चल रहा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है, तो वो कभी कभी बड़े आ जाते हैं, या फिर दो मार्क्स के क्वेश्चन है कुछ कुछ बड़े होते हैं, तो उसमें फिर हमें पूरा फोकस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है हल्का सा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने प्रीलिम्स की तैयारी की, प्रीलिम्स में आपने अभी जो ऑब्जेक्टिव्स लगाए जैसे प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स के लगाए हैं, टेस्ट सीरीज लगाई हैं, वो अभी आपने थोड़ा उनकी लेंथ कम है, थोड़ा सा उनमें टाइम कम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट करते हो गेट से, तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बनते नहीं है, तो वो भी कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन बीच में बन ही नहीं रहे एक महीने में, लेकिन वो धीरे 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 पिकअप हो जाता है क्योंकि कंसेप्ट आपने पूरे पढ़े हुए हैं, बस आपको एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस ट्रिगर हो जाती है एक महीने में, वन मंथ इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद जब गेट कंप्लीट हो गया, देन वॉज अगेन फोकस्ड ऑन मेंस, बट मेंस में थोड़ी सी बस प्रॉब्लम ये आई थी क्योंकि मेरी गेट में थोड़ी ठीक रैंक थी, तो काफ़ी सारे पीएसयू से कॉल आया था, तो मैंने काफ़ी सारे पीएसयू में इंटरव्यू होता था, तो बीच बीच में जैसे कई बार किसी का मई में इंटरव्यू है, कभी मुंबई जाना पड़ रहा है इंटरव्यू के लिए, कभी दिल्ली में इंटरव्यू है, किसी का जून में इंटरव्यू है, मैं घर पर था तो आना जाना उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ मेंस में। तो मेंस में सिर्फ एक ये प्रॉब्लम रही, बाकी आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन मेंस। जब मेंस हो गया आफ्टर देन, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तो थोड़ा मस्ती की, उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो फिर थोड़ा सा इंटरव्यू कर लिया। एक सिविल इंजीनियर और यूपीएससी ईएससी क्लियर करने के तजुर्बे से मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में हजारों एस्पिरेंट्स को गाइड करते हुए मैंने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक यूनिक अप्रोच डेवलप की है। मैं जानता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स मुश्किल हैं और इसे प्रिपेयर करने में ज्यादा समय लगता है। एक स्मार्ट तरीके से आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मैं हूं शशि कुमार और मैं ईएसई के लिए अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं। आपका एक और नोटवर्थी बात है कि मैंने सुना कि 2017 में आपने गेट दिया था नॉर्मली और आपको 448 रैंक भी मिला था उसमें से, व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी गुड रैंक, और आपने बताया हुआ था कि बहुत सारे आईआईटीज में आपका सिलेक्शन भी हो सकता था उस टाइम पर, फिर भी आपने सोचा ये रैंकिंग मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। हाँ। और मैं दूसरे बार दिया, मैंने कुछ आईआईटीज में अप्लाई भी किया था, जैसे आईआईटी रुड़की से मेरे को एमटेक का कॉल भी आया था। हाँ। लेकिन मेरे को कभी एमटेक करने का मन नहीं था, बिकॉज एमटेक इज मोर अबाउट रिसर्च। ओके, तो मैंने टीचिंग तो पहले की थी, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ता था मैंने बताया, तो टीचिंग में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था एज कम्पेयर टू रिसर्च। ओके, तो मेरे को एमटेक करने का कभी ऐसे मन भी नहीं था, और मेरे को लगता भी था कि मैं जो है जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो उसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ द टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग जॉब दैट यू कैन गेट इन द कंट्री। ओके, वहाँ पे आप जो है सबसे अच्छी जो जॉब ऊपर लेवल के कर सकते हो वो कर सकते हो इंजीनियरिंग फील्ड में, तो मेरे को हमेशा से लगता था कि मेरे को इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन था कि प्लस एक बेनिफिट ये था मेरे साथ कि गेट की जो आपकी रैंकिंग है वो एमटेक के लिए 3 साल तक वैलिड रहती है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर मेरे को फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं निकलता है तो मैं इसी रैंक से फिर से एमटेक में एडमिशन ले लूंगा, क्योंकि जब इस साल एडमिशन मिल रहा है तो अगले साल भी एडमिशन इसी रैंक पर ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। तो मैंने ये सोचा हुआ था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो 1 साल ड्रॉप कर लेते हैं, और 1 साल ड्रॉप होगी, और 12th के बाद भी मैंने ड्रॉप नहीं किया था, मैंने सोचा कि उधर का चलो इधर कंपनसेट हो जाएगा एज में, तो मैंने इधर ड्रॉप करके और मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की। तो शिवम, आपने अभी अभी बताया कि योर मेन फोकस वाज ऑन पब्लिक सर्विसेज। ओके, पब्लिक सर्विसेज की स्ट्रेटजी हमने अभी सिंथेसाइज किया कि आपने बताया कि ऐसे ऐसे था मेरा स्ट्रेटजी, बट हाउ विल यू फोकस ऑन पेपर, कि ईएससी और गेट दोनों का पेपर अगर हम जाएंगे तो उस पेपर का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, कि बोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो टेंस कर जाता है, दे गेट टेंस और गलत जवाब लिखते थे, तो इसके बारे में आपका क्या था स्ट्रेटजी की टाइम मैनेजमेंट, और आपने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज भी दिया था, सो हाउ वॉज योर टाइम मैनेजमेंट? सबसे इम्पॉर्टेंट आज टाइम मैनेजमेंट ही है, इसीलिए मैंने इतने सारे मॉक लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल ईएससी मेंस के लिए मैंने बहुत सारे पेपर्स लिखे थे, अराउंड मतलब 3 जगह से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, तो काफ़ी सारे मेरे को पेपर्स लिखे थे, वो टाइम मैनेजमेंट के लिए ही लिखे थे। होता क्या है ना कि आप 600 नंबर का पूरा पेपर लिख रहे हो 3-3 घंटे में, मतलब 3 घंटे में आप 300 नंबर का लिख रहे हो, 3 घंटे में मेंस का 300 नंबर का लिख रहे हो, उसमें आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चंस नहीं होंगे, एक क्वेश्चन में कई बार 4 पार्ट भी होता है, 3 पार्ट होता है जनरली और 5 पार्ट भी होता है, तो वो आपको एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, वो एक्चुअली है नहीं कि आपको 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में, 5 क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, वो मोर देन 15 क्वेश्चंस है। तो अब जब आपको 3 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चंस करने हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आपको चूज करना है। और कई कई बार तो ऐसी भी गलतियाँ होती हैं, मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना है ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जैसे कि 2 पार्ट होते हैं मेंस में, पहला पार्ट है पार्ट ए, सेकेंड है पार्ट बी,
पार्ट ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन होते हैं। आपको पार्ट ए का पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं जनरली, और पार्ट बी का भी पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद आप जो है जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको पार्ट ए पार्ट बी में से चूज करना है। एक एक हुआ, 2 और 2 4, उसके बाद एक क्वेश्चन आप किसी से भी चूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि लड़के क्या करते हैं कि पार्ट ए में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, पार्ट बी में से बस एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे आपको फिर आपका जो उधर हुआ है 4 क्वेश्चन का, वो 4 में से आपको सिर्फ 3 के मार्क्स मिलेगा, 1 का मार्क्स मिलेगा ही नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब इतना बड़ा आपका पेपर है तो आपको स्टार्टिंग से फोकस रहना है कि आपको जो है किस तरीके से स्टेप बाई स्टेप लिखना है। आपको स्टेप पहले से मन में होना चाहिए, आप वहाँ बैठ के स्टेप बना नहीं सकते 3 घंटे के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा आपको जो पेपर लिखना है, और आप जितना ज़्यादा छोड़ोगे उतना ज़्यादा आपका लॉस है। फॉर एग्जाम्पल जनरली जैसे कि अगर एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है, जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का होकर 300 नंबर का पेपर होता है, तो अगर आप एक क्वेश्चन के फिर 3 पार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, अगर आप 20 नंबर पूरा छोड़ रहे हो तो आप सोचो कि दूसरे आपसे कितना आगे निकल चुके हैं। तो मेन रीजन ही आज के कॉम्पिटिशन का ये कि आपको टेंशन आना चाहिए, मतलब ऐसा हो गया है कि अब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग दीज एग्जामिनेशन, अब उनको डिस्टिंग्विश करना है उन स्टूडेंट्स में से। तो अब दो चीज़ें वो कर रहे हैं जो पेपर सेटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टफ थोड़े से क्वेश्चन दे रहे हैं या फिर लेंथी क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें कि आपका टाइम मैनेजमेंट दिखे कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ के कौन सा क्वेश्चन करना है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको जैसे कि जब इतने सारे एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं तो वो ट्रिकी क्वेश्चंस डाल रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन डाल रहे हैं जो कि कभी पहले नहीं आए। इसीलिए मेरे को क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर्स के पहले जब हम क्वेश्चंस लगाते थे ऐसा होता था कि क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो होता है ऐसा। पहले होता था कि अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो 150 में से अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन तो रिपीट कर जाते थे, डिजिट्स हल्की सी चेंज हो सकती थी लेकिन ऑलमोस्ट रिपीट करते थे, और कई कई बार तो डिजिट्स भी सेम रहती थी। लेकिन अब जो मैंने देखा है लास्ट 1-2 साल से, उन्होंने पेपर पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया। एक तो पेपर लेंथी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे पिछला वाला प्री भी लेंथी था, उससे पिछला वाला प्री भी हमारे वाले टाइम का लेंथी था, एक तो लेंथी भी आ रहा है प्लस वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी डाल रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है, आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में कैलकुलेटर नहीं है, गेट में है साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में आपके पास कैलकुलेटर है ही नहीं। अब अगर आप उस लंबी कैलकुलेशन को आप करने बैठ जाओगे तो आपने एक क्वेश्चन के ऊपर अगर 5 मिनट दिए तो आप उस 5 मिनट के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन आपको करने थे, आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया तो वो आपका ही लॉस है, क्योंकि सबके मार्क्स तो बराबर है सारे क्वेश्चन के, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर मॉक टेस्ट कोई नहीं लिख रहा है और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स कर रहा है, सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक बेसिक क्वेश्चन है कि इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टफ एग्जाम को क्रैक कर लिया तो उससे आसान एग्जाम भी क्रैक हो सकता है, तो व्हाट आर योर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ईएससी एंड गेट? कि आपको लगता है कि ईएससी में अच्छा मार्क्स ला लिया तो गेट उधर ही कवर हो जाता है, गेट का पोर्शंस भी, या गेट का प्रिपरेशन डिफरेंट लेवल में होना चाहिए और ईएससी का प्रिपरेशन डिफरेंट लेवल में? दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन गेट में उनकी अच्छी रैंक इतनी ज्यादा नहीं है, दे आर नॉट इन टॉप 500 और टॉप 100। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक का कर लिया सेकंड वाला अपने आप हो ही जाएगा। सो आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी थी कि प्रीलिम्स तक तो मैं पूरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का करूंगा, अच्छे से कंसेप्ट वाइज करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस किए तो वो सिर्फ वही कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट करूंगा, अच्छे से करूंगा। जब एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज हो जाएगा प्री, फिर एक महीना पूरा गेट पर फोकस रहूंगा, मेंस बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। मेरी ये था, तो मैंने गेट के लिए भी प्रिपरेशन की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की, मेन ईएससी था मेरा, लेकिन गेट के लिए भी मैंने एक महीने में जितना हो सकता था मैं उतना पढ़ा था। मतलब आप लगा लीजिए कि अगर मैं हर रोज एक टेस्ट लिख रहा हूँ 3 घंटे का, उसके बाद उस टेस्ट को आपको एनालाइज भी करना होता है कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, 2 घंटे उसमें चले जाते हैं 5 घंटे, फिर आपको रिवीजन भी करना होता है 3-4 घंटे, तो हर रोज 8 से 9 घंटे आप पढ़ रहे हो, एक महीना लगा था गेट के लिए, उससे पहले भी आपने पढ़ा ही है, वही सिलेबस तो सेम ही ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कम होता है गेट में सिलेबस एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो आपने उससे भी पहले पढ़ाई है, तो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो बट डायरेक्टली गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि गेट आप निकाल नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस निकाल रहे हो तो गेट निकल ही जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि ईएससी में हो गया तो यू कैन गेट दैट फाइन ट्यूनिंग थिंग इन गेट, तो ईएससी में अगर अच्छा आपने पढ़ लिया है प्रीस तक तो आपको वो सेम कॉन्सेप्ट अगर आप गेट में अगर कुछ और हार्डवर्क से काम करोगे तो गेट भी क्लियर हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली मेरे हिसाब से जो मेरे को पर्सनली लगता है कि गेट का सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद आपको पीएससी में जाने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है या एमटेक के लिए, कुछ कुछ में इंटरव्यू, कुछ कुछ में डायरेक्ट कॉल होता है। जैसे पिछले साल तक आईआईटी दिल्ली में इंटरव्यू बेसिस पर होता था, अब डायरेक्ट कॉल होता है, अब इंटरव्यू बेसिस पर नहीं होता, सिर्फ गेट के मार्क्स पर वो बुला लेते हैं, और आपके 75% होने चाहिए बीटेक में। तो गेट का सिर्फ एक एग्जाम है तो आपको इतना टेंशन नहीं होती गेट के एग्जाम की, बस एक एग्जाम है तो आप उसके लिए अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आप बस एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपने प्री निकाल लिया, ठीक है, आपका अगर आपका मेंस नहीं निकला तो आपके प्री निकल गया, उसकी भी वैल्यू नहीं है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रोसेस थोड़ा सा डिलिजेंसी वाला है,
आपको लगे रहना पड़ेगा, बार बार लगे रहना पड़ेगा। गेट का प्रोसेस है, एक बार आपका अगर हो गया, अगर एक बार आपका पेपर अच्छा हो गया बस। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको प्री देना है, प्री के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आप लूज हो जाओ, अरे मेरा प्री तो निकल गया। इट डज नॉट मैटर, अगर आपका मेंस नहीं निकला तो प्री आपका निकला नहीं निकला, यू आर इक्वल टू दोस्त जिन्होंने प्री भी क्वालिफाई नहीं किया। सो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। जब भी इंडिया में एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात आती है तो तीन मेन चीज़ होता है, एक होता है मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट और तीसरा होता है टेक्स्ट बुक्स। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो टेक्निकल इशू था, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में थे, तो कौन सा था आपका टेक्स्ट बुक जो आप रेफर कर रहे थे जिसकी वजह से आपको ये लगा कि इसकी वजह से मुझे मार्क्स आया था गेट और ईएससी में? प्री तक तो मैंने कोई टेक्स्ट बुक रेफर नहीं की थी, प्री तक तो बस मैंने नोट से ही पढ़ा था, सब कुछ नोट से ही पढ़ा था। क्योंकि प्री में आप जो पढ़ रहे हो, जैसे ईएससी प्री हुआ या गेट हुआ, उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट डिटेल में आने चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि उसके बैक ऑफ द स्टोरी आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप मेंस लिख रहे होते हो तो आपको स्टेप्स लिखने होते हैं, आपको प्रूफ आने चाहिए, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ सकता लेकिन मेंस में पूछ सकता है। तो प्री तक और गेट तक तो मैंने बुक नहीं उठाई थी कोई सी भी, लेकिन उसके बाद मेरे को टेक्स्ट बुक उठानी पड़ी थी। तो कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस की रामा मूर्थम हुई, या सॉइल मैकेनिक्स की गोपाल रंजन हुई, या फिर हाइड्रोलॉजी की एस के गर्ग हुई, इरीगेशन की एस के गर्ग हुई। तो ये सारी बुक्स हैं, तो ये सारी बुक्स मैंने रेफर करी बीच बीच में, जैसे प्रूफ्स के लिए, स्पेशली प्रूफ के लिए मैंने रेफर की, क्योंकि वो नोट्स में इतने अच्छे से नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है कि नोट्स में काफ़ी सारे प्रूफ्स है भी नहीं और वो प्रूफ्स आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि कुछ और भी अलग से प्रूफ्स हैं। तो नोटबुक आप प्री तक या गेट तक तो रेफर कर सकते हो, लेकिन कभी कभी बीच बीच में बुक्स उठाने की जरूरत पड़ती है। प्लस एक ऐसा भी होता है कि आपने जब तक बुक नहीं उठाई तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता ही होता है कि आपने बुक उठाई, हाँ आपने बुक पढ़ लिया, अब आप अच्छा लिख सकते हो, तो आपने स्टेप्स सारे देखे हुए हैं। तो बुक मैंने उठाई थी, लेकिन आफ्टर गेट एग्जामिनेशन फॉर ईएससी मेंस। तो शिवम, एक मेन क्वेश्चन है कि जब भी आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो बहुत लोगों का ये वहम है कि कोचिंग जाना ही पड़ता है, पर आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया था, तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग जरूरी है कि सेल्फ प्रिपरेशन से ही हो सकता है? मेरा दोनों का मिक्सचर था, कम्प्लीटली सेल्फ प्रिपरेशन नहीं था। जैसे कि ईएससी प्री का जो कोर्स होता है वही मेंस का कोर्स होता है, तो कोर्स तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ था कोचिंग से, लेकिन उसके बाद जो मेंस होता है उसमें कुछ एडिटिव टॉपिक्स और आ जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ नहीं आता ऑब्जेक्टिव्स में। मेंस में कुछ चीज़ें और एड ऑन हो जाती हैं कि इसका प्रूफ भी आ रहा है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी नहीं जा सकती, सब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग RCC, उसमें अगर आपको डिजाइनिंग पूछ रहे हैं, जैसे आपको बीम की डिजाइनिंग करवा रहे हैं या कॉलम की डिजाइनिंग करवा रहे हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में नहीं पूछ सकते। सब्जेक्टिव्स में आपको उसमें डेटा अपने आप से एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेटा उसमें एज्यूम करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है जैसे कि आप पहले गेट के प्रिपरेशन तक तो जैसे कि नॉर्मली रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो आपको जो है वो सारा का सारा टेस्ट बुक से रेफर करना ही पड़ेगा, तो वो सब करना पड़ता है। तो लेट्स गो ऑन ए लाइटर टॉपिक, बहुत हो गया एग्जाम के बारे में। तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन था कि आप हार्ड वर्क कर रहे थे सब, तो बीच में ऑन ए लाइटर थिंग आप कुछ और कर रहे थे कि बैडमिंटन खेलना, खेलने के लिए जाना, वेब सीरीज देखना, ऐसा कुछ था आपका? हाँ, मैं वेब सीरीज भी देखता था, प्लस सोशल मीडिया भी यूज़ करता था। सो और उसके बाद मैं बाकी जो चीज़ होती हैं, जैसे कि जहाँ मैं रहता था वहाँ IIT एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा रहते थे, उस पूरे PG में जहाँ मैं रहता था टिल माय प्री एग्जामिनेशन, आई मीन टिल 10th of December 2017, जब तक मैं वहाँ रहता था वहाँ IIT के एस्पिरेंट रहते थे, तो मैं फ्री टाइम में जो उनको कभी कभी फिजिक्स का थोड़ा सा बता देता था, उससे वो मेरा रिवाइज भी होता रहता था, प्लस मेरे को अच्छा तो लगता ही है टीचिंग, तो वो चीज़ मैं फ्री टाइम में करता था, उससे मेरा मतलब वो इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। तो उसके अलावा वेब सीरीज देखना या सोशल मीडिया थोड़ा सा यूज़ करना, तो वो सब मैं करता था अपने फ्री टाइम में, प्लस कहीं बाहर घूमने चले गए, तो वो सब करते रहना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली क्या होता था मेरे साथ, जैसे कि ये सी प्री में संडे में टेस्ट होता है, तो जब संडे में टेस्ट दे के आया उसके बाद शाम के टाइम बाहर चले गए, क्योंकि उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, वैसे ही टेस्ट दे के आए हो इतना ज़्यादा लंबा, उसके बाद फिर से आप पढ़ नहीं सकते रात में आके, तो कभी कभी बाहर चले गए, कभी कुछ कर लिया। तो अभी हम गेट प्रिपरेशन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि गेट में हमें पता है कि गेट का तीन हिस्से है, एक है जनरल एप्टीट्यूड, एक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एक है टेक्निकल। तो आपने वेटेज कैसे दिया था कि बहुत लोग हैं, बहुत लोग एस्पिरेंट्स गलती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल को देते हैं और जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, पर सब लोगों को ये पता भी है कि जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकता है, फिर भी वो लोग छोड़ देते हैं। तो आपका स्ट्रैटेजी कैसा था कि तीनों को कितना आपने वेटेज दिया था? एक्चुअली क्या होता है, जैसे टोटल 100 मार्क्स का गेट होता है, उसमें 15 मार्क्स का मैथ्स आएगा, 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आता है उसमें थोड़ा सा,
और बाकी जो बचा आपका वो आपका टेक्निकल आएगा। मेरे मैथ्स में तो सारे सही थे। मैथ्स इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये सबसे ज़्यादा मतलब गलती है स्टूडेंट्स की कि वो मैथ्स को नेगलेक्ट करते हैं, और अब तो मैथ्स को वैसे भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए दोनों एग्जाम का साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप गेट और ईएससी के लिए साथ पढ़ रहे हो, ईएससी में जो प्री होता है उसमें पेपर वन जो होता है वो जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड का होता है, तो वहाँ पर जब आप जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड में पढ़ रहे हो तो वहाँ मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐड किया गया 2017 से, पहले कुछ और पैटर्न होता था। तो जब आपने मैथ को ऐड कर दिया तो वहाँ अराउंड मैथ के जैसे 100 क्वेश्चन से अराउंड 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है अराउंड 26 मार्क्स हो गया। तो वो आपका उधर भी काम आएगा अगर आप ईएससी के लिए पढ़ रहे हो, और आपका गेट में भी काम आएगा कि वो 15 मार्क्स का जो आ रहा है वो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा ऑलमोस्ट, या 13 मार्क्स आ गया या 12 मार्क्स आ गया, ठीक है। लेकिन वो एक वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, और वो ज़्यादा रेस्पेंस नेगलेक्ट कई बार कर देते हैं टेक्निकल में आके, उनको लगता है कि टेक्निकल के अगर बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हम कवर कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारे ज़्यादा गेट में मार्क्स आ जाए, पर ऐसा नहीं है। गेट में अगर मतलब गेट का तो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जैसे कि आप अगर एक मार्क्स भी किसी से नीचे हैं तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। अगर जैसे कि टॉप में हैं आप और किसी का एक मार्क्स भी नीचे है तो आपकी रैंक 30-50 आराम से वेरी कर जाती है, गेट में इतना ज़्यादा हो गया। तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि कईयों का एप्टीट्यूड वीक होता है, मेरे को एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो लेकिन अगर कईयों का एप्टीट्यूड वीक है तो 15 मार्क्स का हमारा मैथ्स हुआ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। उसके बाद जो बाकी का 15 मार्क्स बचा जिसमें 5 अराउंड इंग्लिश आता है और 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, तो एप्टीट्यूड आप पूरा का पूरा कर सकते हो। तो उसके बाद जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा आप कर सकते हो, अगर आपका इंग्लिश खराब है तो एक दो क्वेश्चन रह जाएगा। लेकिन आप ये जो 30 मार्क्स हैं तो मेरे को लगता है 30 में से आप 25 तक तो मतलब विदाउट एनी हार्ड वर्क आप कर सकते हो, और 30 में से 25 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मेरे जो मार्क्स थे नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इट वाज 86.38, तब मेरी टॉप 14 मतलब 14 रैंक आई थी। तो आप इतने लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस में से टॉप 20 में आ सकते हो 86.38 पे ही, उस टाइम पे मतलब डिपेंड्स ऑन द पेपर लेवल, लेवल के पेपर पर भी डिपेंड करता है कि कितना पेपर का लेवल है, बट स्टिल तो आपको 30 में से 25 मार्क्स उधर ही मिल रहे हैं। तो आपको इधर 70 में से आपको स्कोर करना है। प्लस कुछ कुछ ऐसा भी रहता है जैसे कि गेट में कभी कभी क्या रहता है कि जो जैसे सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, कुछ प्राइम सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते ही आते हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स हुआ, सोम हुआ, वो हर बार आता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के आता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कभी कभी आएंगे बहुत कम मार्क्स के आएंगे, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग हुआ, कई बार होता है बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ऐसे वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स जैसे सोम और सॉइल हुआ, उनके ऊपर तो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकते हो, वो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। तो एक ये है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना होता। मान लीजिए जो आपने सब्जेक्ट छोड़ा उसी में से 4 मार्क्स का आ गया, कई बार इंडिपेंडेंट में से 2 मार्क्स का आता है, कई बार 4 मार्क्स का आता है। तो आज के टाइम में अगर एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपको कवर पूरा करके जाना है, और स्पेशली जैसे आप बता रहे हो कि जीएस का ये जनरल एप्टीट्यूड जो हुआ या फिर इसका मैथ्स का, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। 30 में से कम आपके टेक्निकल में कुछ मार्क्स कम होते हैं अगर आप इधर तो कवर कर ही सकते। ईएससी प्रिपरेशन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बहुत लोग सोचते हैं कि टॉपर्स का सक्सेस वे अच्छे तरीके से होता है। सो हाउ वाज योर सक्सेस वे, मीन्स आपको कुछ कठिनाई फेस करना पड़ा? कि बहुत सारे लोगों को होता है कि डिफिकल्टीज होता है, इट्स नॉट ईजी टू बिकम अ टॉपर इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड व्हाइल बिकमिंग ए ईएससी टॉपर और व्हाइल बिकमिंग ए गेट टॉपर? दोनों तरीके के टॉपर्स होते हैं। कईयों को स्टार्टिंग से ही रास्ता मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर पेरेंट्स इन सर्विसेज में हैं या किसी के पेरेंट्स वेल एस्टेब्लिश्ड हैं तो उनको बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो वो हो जाता है। मेरे साथ में केस ऐसा नहीं था। सो एक्चुअली क्या था, जैसे मेरी स्कूलिंग है, मेरी स्कूलिंग एक ऐसे स्कूल में हुई थी जहाँ पर टोटल इट वाज अ हाई स्कूल अप टू क्लास 10, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 125 के अराउंड थे इन टोटल क्लासेस। टोटल जहाँ एक क्लास में इतने बच्चे स्कूल्स में होते हैं, तो वहाँ मेरे इतने क्लासेस में थे। तो मेरी स्कूलिंग वहाँ ऐसे स्कूल में हुई थी अप टू 8th। सो एक देर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग, देर इज नो फ्री पाथ, देर इज नो पाथ इन द जंगल, यू हैव टू क्रिएट इट। क्रिएटेड, या सो स्टार्टिंग से मेरे साथ वो वाली चीज़ रही थी। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मैंने 9th क्लास में वहाँ आया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ की स्कूलिंग चलती रही, इट वॉज अ नॉर्मल टाइम। इन 11th 12th आई वॉन्टेड टू ज्वाइन IIT, तो IIT कोचिंग्स मेरे को ज्वाइन करना था। IIT के बारे में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री फॉर इंजीनियरिंग स्टडी, तो सुना काफ़ी ज़्यादा था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस उसको मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो एक वो भी रीज़न रहा वहाँ। उसके बाद मेरे को लगा कि अब मेरे को, जब मैं बीटेक में आ गया, जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलने लगी। और पहले के केसेस ऐसे भी होते थे कि पहले की जब चीज़ें याद आती थी कि कहाँ कहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी और मैंने मिस की,
उस चीज़ से मैं और ज़्यादा ट्रिगर होता था मेहनत करने के लिए। तो बीटेक तक धीरे 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 जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, आई वॉज बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड माई पर्सनैलिटी वॉज एनहेंसिंग। तो जैसे जैसे पर्सनैलिटी एनहेंस होती गई, उसके बाद जब गेट क्रैक हुआ तो पूरा प्रोसेस था कि गेट और ESE दोनों का चल रहा था। ESE मेन टारगेट था, गेट साइड में था, लेकिन दोनों का प्रोसेस था। गेट क्रैक हुआ, घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे, स्पेशली माई फादर एंड माई मदर, तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तो पेरेंट्स के अलावा भी काफ़ी लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मतलब इतने लोगों के एहसान टाइप मैं बोलूँगा कि इतने लोग एहसान है कि मैं किस चीज़ पर प्राउड फील करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि फैमिली तो आपको हमेशा सपोर्ट करती है, दिन रात वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। जैसे कि जहाँ मैं रहता था वहाँ मेरा एक रूममेट था, उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ही यूज़ टू टेक केयर ऑफ मी, लाइक जैसे कि मेरी कोचिंग होती थी, मेरा कोचिंग जो ज्वाइन कर रखी थी प्री वाली, वो मैंने 2 बजे से मेरा बैच शुरू होता था, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आपका 2 बजे से कभी शुरू नहीं होता है, वो आपका सुबह 8 बजे से क्लासेस शिफ्ट हो जाती हैं। अक्टूबर तक आते आते, सितंबर अक्टूबर तक आते आते आपको सुबह 8 बजे से रात के 9-9 बजे तक क्लासेस होती रहती हैं। अब सुबह 8 बजे की जगने की आदत मेरी नहीं थी, तो ही यूज़ टू सेट एन अलार्म और वो रोज़ मेरे को जगाया करता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मेरे को याद आती हैं। इट इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट। तो जब गेट क्रैक हुआ घर में सब खुश थे, लेकिन अभी उन्हें पता था मेन चीज़ अभी बची है। सो उसके बाद जब ESE क्रैक हुआ, देन माई फादर वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। तो एक वो काफ़ी अच्छा मोमेंट मेरे को लगा। एवरीवन वाज सेइंग कि मतलब हाँ, मेरी मेहनत को भी सब लोग बोल रहे थे कि उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, बट साथ में ये भी बोल रहे थे कि मेरी आज फादर की ऑनेस्टी का जो है एक फल मिला है मेरे को। सो दैट वाज अ मोमेंट व्हिच मेरे को अभी भी याद आता है। एक लोकल न्यूज़ चैनल था, वो पापा का इंटरव्यू ले रहा था उस टाइम पर, अलीगढ़ का लोकल न्यूज़ चैनल था, एंड माई फादर वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। सो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ दैट सक्सेस। ओके, तो एक नोट वर्थ थिंग जो मैंने देखा आपकी लाइफ में कि हाई स्कूल से ही आपने स्टार्ट किया था एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। यहाँ बहुत लोग इंजीनियरिंग के बाद एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं, तो आपने हाई स्कूल से ही इंजीनियरिंग का मीन्स एंट्रेंस एग्जाम देना स्टार्ट किया था। एक बार 9th में दिया था, मतलब ऐसा करना पड़ता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि आपको एक बार 9th में एग्जाम जैसे मैंने दिया, एंटर हुआ, फिर आपको एक बार 11th में भी देना पड़ता है, फिर एक बार आपको इंजीनियरिंग से मतलब इंजीनियरिंग के लिए भी देना होता है। तो अभी आपने सब एग्जाम स्टॉप कर लिया है, ये एग्जाम सब टॉप करने के बाद आपका लाइफ कैसे चेंज हुआ? और धीरे धीरे जब आप सक्सेस मिल जाती है आपको, स्टार्टिंग में आपको सब समझते हैं, जब तक आपको कुछ नहीं मिला होता कि आपको कुछ नहीं आता, आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर राय नहीं ली जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप मतलब एक तो एग्ज़ाम निकाल लेते हो, तो ये है सोसाइटी का है कि आपको सब लोग रेस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं, सब लोग समझने लगते हैं कि आपके अंदर एक एग्ज़ाम निकालने के बाद एकदम से अकल आ गई है। तो दे यूज़ टू आस्क यू डिफरेंट थिंग्स जो आपको पता भी नहीं होती, वो भी आपसे पूछने लगते हैं, अच्छा इसमें ऐसा कर लेंगे, इसमें वैसा कर लेंगे, तो एक वैसे भी इम्पोर्टेंस मिलती है। सो विल स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। ओके, सो व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दीस डेज? कि आपका टॉपिंग सब हो गया, टॉपर हो गया, तो एक्साइटेड क्या है बाकी सब लोगों का वेब सीरीज ऐसा, तो व्हाट आर यू मोर एक्साइटेड अबाउट दिस डेज? आई एम एक्साइटेड अबाउट माय लर्निंग, मतलब मेरे को हमेशा सीखना पसंद होता है। सो व्हाट इज योर रीसेंट हॉबी? आई लव टू वॉच वेब सीरीज, दिस डेज आई एम वॉचिंग वेब सीरीज। ओके, सो इफ यू हैड वन सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? आई वुड लाइक टू गेट इनविजिबल। इनविजिबल, या हैरी पॉटर, या उसके टाइप के। तो आपका वर्स्ट सब्जेक्ट इन स्कूल क्या था? मींस मैथ्स तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत बार बता दिया आपने, वर्स्ट सब्जेक्ट क्या था स्कूल में? इंग्लिश। English. It was always my weakest point till class 12th. After then, मैंने वेब सीरीज वगैरह देखना शुरू किया, थोड़ा सा काम किया इस चीज़ के ऊपर। तो मोस्ट प्राउड मोमेंट क्या था? सो फर्स्ट प्राउड मोमेंट तो आपका टॉप करने वाला ही प्राउड मोमेंट होगा, तो उसके अलावा भी कौन सा प्राउड मोमेंट था आपका लाइफ में? सबसे ज़्यादा प्राइड मोमेंट जो था मेरी लाइफ में, एक तो जैसे टॉप करने के बाद था जो फादर वाला था वो मैंने बताया है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे अच्छा लगता था, जब मैं पढ़ाया करता था तो आई वॉज इन बीटेक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, वहाँ पर आपसे ड्रॉपर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं या 12th के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, 11th के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो आप वो टीचर को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। आई थिंक टीचर इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब। वो पैर चूके जा रहे हैं जो कि सिर्फ मेरे से 2 साल या 1 साल छोटे हैं। सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्राउड मोमेंट। ओके, सो लगता था थोड़ा सा कि हाँ, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है और लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। सो आई थिंक टीचर इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब बींग अ टीचर। सो वो सबसे अच्छा प्राउड मोमेंट लगता था। तो बिगेस्ट वीकनेस क्या था आपका? आई थिंक एंगजाइटी, एंगजाइटी वॉज माई बिगेस्ट वीकनेस। सबका लाइफ में एक रोल मॉडल होता है, तो आपका रोल मॉडल क्या है? मीन्स इफ यू वॉन्ट हैव कॉफी विद समवन इन लाइफ, हु वुड इट बी? माई फादर। योर फादर? अपार्ट फ्रॉम योर फादर, apart from my father, I would say Rahul Dravid. Rahul Dravid. Yeah. So that was our rapid fire round, and we have finished it successfully. So how did you like the experience of being with Chamomile TV Toppers? कैसा था आपका experience? It is great.
एंड मैंने तो बताया कि जैसे कि मैं टीचर था तो मेरे को मोटिवेट करने में काफ़ी अच्छा लगता है और एस्पिरेंट्स जब आप होते हो तो आप एक मतलब डिप्रेशन आपका एक पार्ट हो जाता है। आप मतलब बहुत कम एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेस नहीं होते हैं, वरना सबको हल्का हल्का सा डर लगा रहता है। तो वैसे भी मैं एस्पिरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा टच में रहता हूँ विद वेरियस मीन्स, कोरा के थ्रू भी रहता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी रहता हूँ, तो वो पूछते रहते हैं। प्लस दिस अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ व्यूज मिल रहे हैं क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं। तो उन्हें लगता है जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो लोग गलत कर रहे होते हैं। तो आपका वीडियो देखकर अगर वो सही कर सकते हैं तो उससे खुशी की बात आपके लिए हो ही नहीं सकती उससे ज़्यादा। द मेन थिंग वी डू इन कैमोमाइल टीवी टॉपर्स इज टैगिंग अदर टॉपर्स, सो व्हेनेवर यू कम यू टैग वन ऑफ द टॉपर्स, दे टैग वन ऑफ द टॉपर्स, सो द सर्कल कीप्स ऑन रनिंग। सो आपको कोई फ्रेंड्स पता है, फ्रेंड्स या क्लासमेट्स जिनको आप टैग कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड के लिए? I know managing services toppers and so it is not easy to for me to tag anyone. Okay. But हाँ, मेरे से दो लोगों ने बोला हुआ है that they are very impressed with this platform जो कि आप कर रहे हो दूसरों को motivate करने के लिए selflessly. So one of my friend is Madhukant Goyal. Okay. And my second friend is Ashish Rawat. So Madhukant and Ashish, please be waiting for our team to contact you. So we'll contact you very surely and very fastly also. And you guys will be there where Shivam is sitting right now. सो शिवम, वेलकम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ अवर एपिसोड। तो आपका कुछ मैसेज है जो आप हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग टॉपिंग द एग्जाम्स और रिगार्डिंग फेसिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक्सेट्रा थिंग्स? यस, सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, तो आजकल कॉम्पिटिशन इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है कि आपको ये लगेगा कि अरे मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी प्रिपेयर कर रहा है, तो वो एक एंग्जाइटी होगी ही होगी और वो सबके अंदर होती है। जो टॉपर्स होते हैं, ट्रस्ट मी, जो जिन्होंने इस साल टॉप किया है, जिन्होंने पिछले साल टॉप किया है, आई हैव बीन टच विद देम, वो एंग्जाइटी उन्हें भी होती है। इवन द टॉपर्स इन टॉप 10 और टॉप 20, उन्हें भी पता नहीं होता कि वो टॉप 20 या टॉप 10 में आने वाले हैं, और वो बाद में तो खैर कोई कुछ भी बोले, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पता होता है किसी को भी, टू बी वेरी फ्रेंक। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को इस तरीके से नहीं लेना है। अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हो, आप उसे फिर से कर सकते हो। और दूसरी बात, आपको हमेशा दूसरों से राय लेना चाहिए, आपको बात करने में शर्माना नहीं चाहिए। जैसे कि काफ़ी सारे लोग मेरे टच में भी रहते हैं, मैं भी काफ़ी लोगों के टच में रहता था, तो वो आपको हमेशा अपने सीनियर से बात करती रहनी चाहिए और लोगों से बात करना चाहिए। फील फ्री टू टॉक, डोंट हेजिटेट, डोंट डाई इन डिप्रेशन, दैट्स इट। दैट वॉज रियली अ वंडरफुल मैसेज फ्रॉम योर साइड। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम कमिंग हियर शिवम, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, हैव अ वंडरफुल डे।